Hi guys, welcome to my new channel. I'm Vitali. This is my new channel. मेरे चैनल का स्वागत है. मैं इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड लाइक क्लास 9, 10, 8 इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई के बातें बताऊंगी, जैसे कि ऐसे हो हिंदी ऐसे हो, इंग्लिश ऐसे हो, कोई भी, या फिर असमिस कोई भी हो. यहाँ पे मैं आपको ऐसे हर दिन एक नए नए ऐसे लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने. और यहाँ पे मैं हिंदी हो, असमिस हो, या फिर इंग्लिश, ग्रामर के बारे में भी बताऊंगी. आपको जो पूछना हो मुझे इस आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझे, या फिर आपको कोई न्यू वीडियो चाहिए, किस बारे में चाहिए, उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं. मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे न्यू वीडियो ला कर दूंगी. थैंक यू. अगर प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे लेकर आई हूँ जो हिंदी ऐसे है. वो उसका हेडलाइन है कोरोना. तो आज मैं आपको कोरोना के ऊपर एक ऐसे बताने वाली हूँ. अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कोरोना प्रारंभ. कोरोना एक वायरस है जो संक्रमण की माध्यम से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी बन गया है, जिससे हर दिन लाखों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं. इसका कारण यह है कि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है. आज ये महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल चुकी है, जिसके कारण इस वायरस की वजह से लोगों की बहुत ज्यादा मात्रा में मृत्यु हो रही है. इस वायरस का प्रकोप चीन के युवान शहर में दिसंबर 2019 के मध्य में शुरू हुआ था. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी का दर्जा प्रदान किया. सबसे पहले इस वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया, जिसके बाद COVID-19 नाम से आधारित नामकरण किया गया. फिलहाल इस कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक होने की दवा इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हर देश के वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए कई सारे प्रयोग कर रहे हैं. कोरोना के लक्षण: बुखार, सर्दी और खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, खास, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में जकड़न, लंबे समय तक थकान आदि कोरोना वायरस के लक्षण है. कोरोना वायरस का संक्रमण. कोरोना वायरस का आकार इतना छोटा है कि इसे नॉर्मल तरीके से देखना संभव नहीं है. इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर बहुत ही बारीक आकार में यह वायरस नजर आता है. जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, थूकता है या फिर छींकता है, तो उसके बारीक कण हवा में फैल जाते हैं और हवा में फैले वायरस किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं. अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ है और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उस चीज को छू लिया, तो उसे भी कोरोना आसानी से हो जाता है. कोरोना से बचने का उपाय. कोरोना से संक्रमित क्षेत्र में जाने से बचें. अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से मास्क से ढकें. समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर या साइन से कम 20 मिनट तक धोएं. 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें. किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद खुद को परिवार या समाज से कम 14 दिन तक अलग रखें. खांसना या सीखते समय अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढके.
बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। निष्कर्ष या फिर समाप्ति। पूरी दुनिया के सभी देश इस महामारी की वजह से पीड़ित है, इसलिए दुनिया की सभी सरकारें इस वायरस को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मार्ग नहीं मिला है। हमें बस इतना करना है कि धैर्य रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सरकार द्वारा बनाया गया नियमों का पालन करें और अंतिम रूप से डॉक्टरों पर विश्वास रखें। थैंक यू गाइस, ये था आज कोरोना के ऊपर एक ऐसे, ये ऐसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। अगर आप मतलब आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखने में कोई प्रॉब्लम या फिर आपको पॉइंट वाइज लिखने में लिखना पसंद नहीं है तो आप लोग इसे पॉइंट इसका पॉइंट उठाकर भी लिख सकते हैं एज अ पैराग्राफ करके। मैंने इसे पॉइंट वाइज इसलिए लिखा है ताकि पॉइंट वाइज लिखने से मार्क थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए और अच्छा भी लगते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। आपको जैसे अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। और आपको अगर कोई आर्डर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।